ओके गाइस, तो सैमसंग ने रिलीज़ कर दिया अपने कुछ स्मार्टफोन के लिए न्यू FOTA अपडेट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कौन से स्मार्टफोन के लिए न्यू FOTA अपडेट रिलीज़ किया गया है, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस के साथ अपडेट रिलीज़ किया गया है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट की हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला अपडेट जो रिलीज़ किया गया है गैलेक्सी S20 FE 5G के लिए रिलीज़ किया गया है। बात करें इसके अपडेट फाइल के बारे में तो 997.26 MB की अपडेट फाइल दी गई है। वहीं पे इस अपडेट के अंदर हमें 1 अप्रैल 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो है वो इंक्लूड किया गया है। गाइस, ये अपडेट फाइल अप्रोक्स में 1 GB की देखने के लिए मिलती है, तो काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स जो है ना वो इस अपडेट के अंदर की गई है। कॉमनली इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बात करें तो डिवाइस के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया, डिवाइस के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया, बग्स फिक्स किए गए और नए पुराने फीचर्स को यहाँ पे इन्हेंस करने की कोशिश की गई है। बाय द वे, यहाँ पे अपडेट फाइल बिग देखने के लिए मिलती है, तो चेंजेस यहाँ पे इस अपडेट के अंदर जो है ना वो की गई है, जो कि आप लोगों को डे टू डे लाइफ में पता चलने वाला है। नेक्स्ट अपडेट जो रिलीज़ किया गया नोट 20 सीरीज़ के लिए रिलीज़ किया गया, यानी कि नोट 20 एंड नोट 20 अल्ट्रा के लिए रिलीज़ किया गया। बात करें इसके अपडेट फाइल के बारे में तो 932.73 MB की अपडेट फाइल दी गई है। 1 अप्रैल 2023 का सिक्योरिटी पैच इंक्लूड किया गया। ये अपडेट अभी कुछ ही सेलेक्टेड कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया है, जो कि ग्लोबली अपडेट हमें देखने के लिए मिल जाती है। बाय द वे, इंडिया के अंदर इसी अप्रैल मंथ में जो है वो अपडेट रिलीज़ किया जाएगा। बाकी बात करें इस अपडेट के चेंजेस के बारे में तो डिवाइस के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया, डिवाइस के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया, बग्स फिक्स किए गए, नए पुराने फीचर्स को यहाँ पर इन्हेंस करने की कोशिश की गई है। बाकी यहाँ पर अपडेट फाइल काफ़ी बड़ी देखने के लिए मिलती है, तो ऐसे भी यहाँ पे चेंजेस जो है ना वो की गई है। अब देखते हैं यहाँ पे इंडिया में ये अपडेट कब तक आता है, इसी अप्रैल मंथ में। तो ऑब्वियसली आप लोगों को एक फुल रिव्यू वाली भी वीडियो देखने के लिए मिल सकती है। बात करें नेक्स्ट डिवाइस के बारे में तो गैलेक्सी A54 5G के लिए न्यू FOTA अपडेट जो है वो रिलीज़ कर दी गई है। बात करें इसके अपडेट फाइल के बारे में तो 236.82 MB की अपडेट फाइल दी गई है। 1 अप्रैल 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ इस अपडेट के चेंजेस के बारे में बात करें तो डिवाइस के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया, डिवाइस के बग्स को फिक्स किए गए और सैमसंग के कुछ एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट किया गया है। तो आज के इस नई वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।